चलो क्लास नंबर 47 बताओ। अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ, तुम बताओ अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ, बताओ तुम बताओ अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ। राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर, जीवन स्तर, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा, वो अपनी नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार करेगा कि लोगों को पोषण अच्छा मिलना चाहिए, है? और क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था? अच्छा ये लिखा हुआ, सेम बात लिखी हुई। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, पाताल लोक में रहते हो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 47। आज का हमारा टॉपिक मौजूद है कि हमने ड्रोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रोट्स क्या हो, ड्रोट्स सूखा, सूखा क्या हो, यूपीएससी के मेंस में फेवरेट टॉपिक है उसका हो। समझ आई बात? या अलनीनो अगर भारत के अंदर आया ना तो भारत के अंदर सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, अलनीनो के कारण ही भारत को सूखा पड़ रहा। समझ में आया बात? या कैसे लिखोगे, कैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन आने वाला, आया हुआ कई बार क्वेश्चन, सूखा और मरुस्थलीकरण। समझ में आया बात? या जरा सोचो, अगर हो तो 2050 तक ना, यूएन की रिपोर्ट कहती है 2050 तक ना 216 मिलियन लोग ना प्रवास कर चुके होंगे, 216 मिलियन लोग पूरी दुनिया में प्रवास कर चुके होंगे, इसका कारण एकमात्र सूखा। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 से लेकर 2000 सन 2000 से लेकर 2019 तक, यानी पिछले 19 सालों की रिपोर्ट, लगभग 20 सालों की रिपोर्ट निकाल ले जा, आंकड़े निकाल ले जा, तो रिपोर्ट कहती है यूएन की, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट ही खुद की कह रही है, सूखे की संख्या, इसके नाम से रिपोर्ट आती है, सूखे की संख्या के नाम से रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत न भारत ये जो 2019 से लेकर 2020 तक ये जो सूखा न पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपदा बन चुका। वैसे सबसे बड़ी आपदा अगर आती थी, आपदा कई प्रकार की हो, उसमें से सबसे बड़ी आपदा को हम बाढ़ को काउंट करते थे। बाढ़ से बड़ी कोई आपदा नहीं है, बाढ़ के बाद द्वितीय स्थान को सुखाया। यस, विकासशील देशों के अंदर ना 10 में से 9 लोगों की मृत्यु विकासशील देशों के अंदर सूखे के कारण हो रही। विकासशील देशों के, और जितना भी सूखा आ रहा ना वो विकासशील देशों में ही आ रहा, विकसित देशों में नहीं आ रहा। अगर सूखा आया ना तो आपको बुरी तरह प्रभावित करेगा। ये आपका भारत किस तरह प्रभावित होगा ये समझना, पहले पूरी दुनिया में सूखे की क्या स्थिति, फिर उसी बात को समझते हुए हम भारत के अंदर आएंगे। समझ में आई बात? यह कि पूरी दुनिया में सूखे को बचाने, सूखे समय ड्रोट्स, समझ आई बात? मरुस्थलीकरण, एक हो मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का ही परिणाम ये होगा कि सूखा निकल कर चला आएगा। अगर जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सूखा जन्म लेगा। समझ आई बात? यह तो मरुस्थलीकरण का ही परिणाम सूखा हो। समझ में आया बात? या तो मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए एक ही संस्था काम करती है, पूरी दुनिया में एक ही संस्था काम करती है, उसका नाम है UNCCD। आप इसे संस्थान कहते हुए एक फ्रेमवर्क कह सकते हो, और फ्रेमवर्क भी ना कहते हुए सबसे बढ़िया बढ़िया कहोगे एक प्रकार का अभिसमय हुआ था। अभिसमय ऐसा हो वो बाध्यकारी हो, उसे तोड़ नहीं सकते आप बिल्कुल भी, ऐसा एग्रीमेंट समझौता तो हो उसे टूट जाता, ये कन्वेंशन हुआ था, अभिसमय हुआ था। सीसी का यही मतलब है, कम्बैक्ट, कम्बैक्ट का मतलब रोकथाम, सी का मतलब है यहाँ से कन्वेंशन, डी का मतलब डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण, रोकथाम मरुस्थलीकरण पर अभिसमय, किसका, यूएन का, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, कम्बैक टू डिजर्टिफिकेशन, इसका कन्वेंशन टू कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कम बैक डेजर्टिफिकेशन, ध्यान इतना पढ़ो तोड़ कर, कन्वेंशन टू कम बैक डेजर्टिफिकेशन, याद नहीं करोगे तो मारे जाओगे, छीतोगे मेरे को, कन्वेंशन टू कम बैक डेजर्टिफिकेशन, बोल लोगे नहीं तो पिटोगे मेरे को, कन्वेंशन टू कम बैक डेजर्टिफिकेशन, कम बैक मतलब रोकथाम, रोकथाम, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम बैक डेजर्टिफिकेशन, याद होगी क्या? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, मरुस्थलीकरण, रोकथाम पर अभिसमय, या कन्वेंशन कह दो या अभिसमय कह दो। अभिसमय जो हो ना, एकमात्र एक प्रकार का ऐसा अभिसमय, ऐसा समझौता कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, बाध्यकारी, एकमात्र ऐसा समझौता।
वैसे जब रियो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें तीन समझौते हुए, तीन बड़े रियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो आयोजित करा गया था, उसके अंदर तीन बड़े सम्मेलन हुए थे। तीन बड़े सम्मेलन हुए थे, एक अभी सम्मेलन था पूरा का पूरा, एक अभी सभ्यता एग्रीमेंट था, समझौता था ये समझौता था। और ये जो समझौता हुआ था ना, इसी के तहत रिपोर्ट जारी होती है, ये अपनी रिपोर्ट जारी होता है सूखे की संख्या के नाम से, रिपोर्ट सूखे की संख्या। और उसमें जब रिपोर्ट आई ना, तो सब देश के बारे में अलग अलग बताया गया। वैसे तो इसे लाया गया था, इस समझौता इसी संदर्भ में हुआ था, क्योंकि यूपीएससी इस सेम सवाल पूछ चुका, सेम सवाल शायद पिछले साल सवाल है या 2021 में सवाल होगा, एक बार चेक करना यूएनसीसीडी का सवाल कब कौन से साल में आया, तो 2021 का होगा 22 का होगा। इस संस्था को निकाल कर सवाल पूछा गया। इस संस्था को इसलिए बनाया गया था कि जो अफ्रीका था ना, अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट, उसके पश्चिमी जितने भी देश हैं, पश्चिमी देश, उसके अंदर ना 70% सूखा पड़ता, केवल पश्चिमी देशों के अंदर, इसलिए बनाया गया था। वर्ष 1994 में बनाया गया इस समझौते, ये समझौता ये जो लागू हुआ ना, ये अभी समय हुआ था, इसमें बहुत सारे देश इकट्ठा हुए थे, लेकिन विशेष रूप इस बात पर फोकस करा गया था कि हम ना, ये समझौता पेरिस के अंदर हुआ था, पेरिस कहाँ पड़ता, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर 14 अक्टूबर 1994 में समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते को ये कहा गया कि हम ना, जो पश्चिमी देश होगा, एशिया की बात नहीं कर रहे हम, पश्चिमी जो अफ्रीका होगा, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, जैसे नाइजीरिया हुआ, दक्षिणी सूडान हुआ, सहारा प्रदेश हुए ना जितने भी हैं, और मोरक्को के पास वाले क्षेत्र भी, ये समझ जाओ पूरा का पूरा जो अफ्रीका की बेल्ट है ना, पूरी सूखे की स्थिति से गुजर रही है, समझ में आई बात है। तो सोचा अगर सूखा यहीं नहीं पड़ रहा, सूखा तो किर्गिस्तान में पड़ रहा, सूखा तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी पड़ रहा, समझ में बात, सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, एक वैश्विक स्तर पर एक पूरा का पूरा कोई ना कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर एक संस्था हमने बनाने की कोशिश करी, संस्था तो है नहीं, आप पूरा का पूरा एक अभी समय कह सकते हो सर। और जो अभी समय है ना, अभी समय समझ गया ना, कन्वेंशन एक प्रकार का, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, याद होगा, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर तुम सूखे के ऊपर लिख रहे हो, मरुस्थलीकरण के ऊपर लिख रहे हो, तो ये समझ जाओ इसकी जरूरत पड़ने वाली, तुम मरुस्थलीकरण के लिए भी और सूखे के लिए भी एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, वैश्विक स्तर का समझौता, एकमात्र समझौता, इसके अलावा कोई दूसरा समझौता नहीं है। इसलिए यूपीएससी तो सवाल निकाल चुका, इसके स्ट्रक्चर तो सवाल निकाल रहा, सुना इस समझौते को हुआ था कभी हो, पहली बात 1994 में हुआ। दूसरे नंबर पर खास बात यह, यो ना केवल पश्चिमी देशों को फोकस करने के लिए बनाया था, अफ्रीका के अंदर जो पश्चिमी देश है ना, उनको फोकस करने के लिए बनाया गया था, समझ में आया बात यह। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें सब जुड़ते चले गए, एशिया पर नहीं, क्यों बनाया गया था सर, इस संदर्भ में बनाया गया था ताकि अफ्रीका के अंदर ना जो सूखा फैल रहा, उसे सूखे को बचा, उसे जो सूखा फैल रहा उसे रोका जा सके, सूखे पर नियंत्रण लाया जा सके, कैसे उसे रेगुलेट करा जा सके। इसीलिए इस अभी समय को हम अस्तित्व में आया था, अभी समय एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हाँ, अगर आपने इस पर हस्ताक्षर कर दिए ना, तो ये समझ जाओ आपने कोई कमिटमेंट कर दिया, करना ही पड़ेगा, समझ भाई, ये बाध्यकारी हो जाएगा, यूं नहीं है कि आप अपना पल्ला छुटा के एकदम चल दो ऐसा, नहीं नहीं नहीं, समझ में आई बात है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, नाम बताओ उसका, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कन्वेंशन का दूसरा नाम हिंदी में क्या, अभी समय, दोबारा नाम बताओ, संयुक्त मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कन्वेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ लोग कन्वेंशन लिख सकते हैं, कुछ अभी समय लिख सकते हैं, अभी समय लिख दो कन्वेंशन लिख दो, कन्वेंशन इंग्लिश का शब्द, अभी समय हिंदी का शब्द है, एक प्रकार का एग्रीमेंट ही समझौता ही है, बस ऐसा समझौता उसे आप बाहर नहीं निकल सकते, समझ आई बात है। इसलिए अभी समय शब्द यूज करते हैं हम, जहाँ तक आप बाहर नहीं निकल सकते, जो बाध्यकारी हो जा, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक, जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा, 14 अक्टूबर 1994 को पेरिस के अंदर फ्रांस में होता समझौता है, ठीक, ये इस तरह के फैक्ट पीटी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मुझे लिखवाने पड़ते हैं, समझ में ही बात किया। दूसरा, मरुस्थलीकरण का परिणाम हो क्या है, सूखा क्या हो, सूखा हो तो ये समझौता क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य भी नीचे लिखा हुआ मैंने, डोंट वरी। मरुस्थलीकरण का परिणाम क्या निकलता, मरुस्थलीकरण का परिणाम निकलता कि सूखा उत्पन्न हो, मरुस्थलीकरण था, अगर मरुस्थलीकरण बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, तो ये समझ जाओ अगर जमीन मरुस्थल बननी, जमीन अगर रेत बननी स्टार्ट होगी, अगर वहाँ मरुस्थल बनने स्टार्ट होंगे, रेत में तब्दील होने स्टार्ट होगी, तो ये समझ जाओ उसका परिणाम यही निकलेगा, वहाँ सूखा उत्पन्न हो जाएगा, समझ में आया बात यह। दूसरे नंबर पर इसका कुछ ना कुछ तो, जो अभी समय हुआ इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, इसका उद्देश्य यह था कि मरुस्थलीकरण का, जो मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश विशेषकर अफ्रीका, मैंने भी लिख दिया, जो जितने मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश, और खासकर विशेषकर कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीका में जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा था उससे कैसे निपटा जावे, और जो सूखे है ना, सूखा जहाँ जहाँ भी सूखा पड़ रहा उसे कैसे समाप्त करा जावे, समझ बात, दोबारा फिर समझ लो, मरुस्थलीकरण जो का सामना करने वाले देश विशेषकर कहाँ से, अफ्रीका, एशिया नहीं है, उसने दूसरे, जब यूपीएससी ने सवाल पूछा ना, उसने दूसरे पॉइंट में यही लिख रखा था, यह है अफ्रीका और एशिया,
तो एशिया नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता, केवल एक और तीन सही था उसमें। समझ में आया बात या? ठीक, तो हमें विशेषकर अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना और सूखे का समन करना, सूखे को समाप्त करने के लिए ये बनाएगी पूरा पूरी, ये भी समूह हुआ, नाम क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। जितनी बार बोल लो कितनी बार कम, समझ बात है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन। हाँ, बोलने से अपना भी याद हो जाने वाले, पता लग चुका है। इतनी बात बताओ, क्या है एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। तीन बार बोलने से याद हो जाएगा, मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। इस संस्था का नाम अगर तुम सूखे का कोड करते, सूखे के बारे में कुछ भी लिखना चाह रहे तुम, और इस संस्था का नाम कोड करते हुए, इस अभिसमय का नाम कोड करते हुए चलोगे तो समझ जाएगा सब पता। समझ आई बात है, जिसे इसके बारे में पता उसे सब पता। इतना पढ़ने के बावजूद भी भारत के बारे में पढ़ा देता तो मैं समस्या खड़ी जाती, इसलिए मैंने इसे उठाया ताकि तुम्हें पीटी में भी काम आ जाओ। समझ में आई बात या? क्योंकि यहाँ तक सवाल आया हुआ, तो जहाँ से सवाल आया छेड़ने का नहीं। और ये एकमात्र ऐसा समझौता, तीन समझौते हुए थे, एक तो खुद समझौता हुआ, दूसरा जैव विविधता पर अभिसमय, इसे जैव विविधता पर अभिसमय, इसे अभिसमय को क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डिजेस्टिविटी, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डिजेस्टिविटी, जैव विविधता पर अभिसमय। ये 1992 में हुआ था, यो भी समय हुआ था 1992 में, जब पृथ्वी सम्मेलन आयोजित करा गया था ना, तो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित करने के दौरान इतनी सब चीज़ें अस्तित्व आई थी, तो कोई 93 में कोई 94 में फिर समझौते लागू होते रहे धीरे धीरे। जैसे ये हमारा 1994 में लागू हुआ है, तो उसके दौरान तो दूसरे नंबर का जलवायु परिवर्तन पर, दूसरे पहला तो हो जैव विविधता पर अभी समय, दूसरा हो और तीसरा था। समझ की बात या? अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा टॉपिक है सूखा, तो जो भी चीज़ सूखे से संबंधित होगी ना, मुझे लग रहा है रिलेट करती होगी, तो मैं वहाँ से जरूर निकाल कर रखूँगा। जो वेश विश्व में कहीं भी कुछ भी हुआ, चाहे वह कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई, चाहे कोई आर्टिकल था या कुछ संबंधित था, उस तक मेरे आंसर का काम, आंसर में लिखने में काम आ गया हो, मेरे क्वेश्चन के उत्तर को ना, जो मेरा सब सूखे के बारे में लिखा गया, मेरे उत्तर को बहुत यूनिक बनागा हो, इस संस्था का नाम मेरे उत्तर को यूनिक बनागा। समझ में आया बात है? मैं बताऊँगा, मैं लिखूंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं सूखे के बारे में लिखूंगा, वैश्विक स्तर पर एक संगठन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हिंदी में क्या लिखोगे, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण पर रोकथाम, रोकथाम क्या दो, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम पर अभिसमय, पर अभिसमय। ठीक, एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संस्था क्या दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभिसमय क्या दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग इस अभिसमय के नाम से यूज करते हैं, कभी कभी से इसे ही संस्था कह देते हैं। समझ आई बात या? एकमात्र, तो एक लाइन तो इतनी मिली मुझे, समझ आए, और इस लाइन को पढ़ोगे तो तुरंत भर जाएगा। जो प्रत्येक वर्ष जो समय समय पर, मुझे नहीं पता कि कब रिपोर्ट जारी करती, जो सूखे पर अपनी रिपोर्ट, सूखे तथा मरुस्थल पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, अब मुझे नहीं पता कब जारी करती है, तो लिख सको सूखे तथा मरुस्थलीकरण पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य पता लग गया, मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों को विशेष रूप से अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना एवं सूखे का समन करना, सूखे का सामना करना, मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश उनसे संबंधित रिपोर्ट जारी करना, समझ की बात किया, उनका निपटान करने के लिए मतलब जानकारी देना, जुटाना, सभी इनका काम होगा, इस संस्था का काम। बात समझ भाई, अगर मुझे यहाँ तक दो लाइन लिखनी है तो दो लाइन क्या निकाल लूँ मैं, भी संस्था का नाम तो पढ़ लिया, अगर मुझे सूखे के बारे में कभी मरुस्थलीकरण के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, राइट में यूएनसीसीडी का नाम बताओ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम पर अभिसमय। याद रहेगी बात है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह लाइन पूरी लिखनी, छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, सूखा हो चाहे मरुस्थलीकरण हो, चाहे सूखा हो चाहे मरुस्थलीकरण हो, इस बात को छोड़ नहीं सकते। यह लाइन पूरी लिखोगे
समझे, वैश्विक स्तर पर एक समझौता है, यहां तक उल्टा लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैश्विक स्तर पर एक समझौता किया गया है जिससे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, यह पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये दो लाइन तो मिल ही गई मुझे, लिखूंगा ही लिखूंगा मैं तो, इतनी बात समझ जाएगा पढ़ रखा। तो बताओ क्या लिखोगे, अगर जब तुम सूखे के बारे में कुछ लिखने वाले तो कहां से निकाल लोगे, कितनी लाइन निकाल लोगे यहां तक, तो बताओ क्या लिखोगे इसमें, पढ़ बताओ। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन अभी समय एक अंतरराष्ट्रीय, अब मैं इधर नहीं देखने देना बोर्ड की तरफ, और आलिया में तुम्हारे पास दोनों लाइन सुनने हैं, समझ एक बात, दोनों लाइन सुनने आनी है हमें, एक बार और पढ़ लो सर, याद करवा रहा हूँ उसको। तो यहाँ तक लिख दो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश विशेषकर अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना तथा एवं सूखे का शमन करना है, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश विशेषकर अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना एवं सूखे का शमन करना है, आलिया में तुम्हारे पास सोच लो और पूरा बताना पड़ेगा कैसे। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम पर अभी समय एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जिसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश विशेषकर अफ्रीका में मरुस्थलीकरण से निपटना एवं सूखे का शमन करना है। आलिया में डंडा ले आऊंगा ठाक। और सुनो, मुझे लिखवाना पड़ेगा ना, तो यहाँ इसमें पीरी का कुछ है नहीं, तो मेंस का ही ज्यादा, और इस पीरी में जो टॉपिक होगा तुम जब कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, अब तुम्हें पता लग जाए तुम यहाँ तक याद कर सको तो इतना भी याद कर सको, देखिए कर याद करूंगा सारा पूरा क्वेश्चन का उत्तर। देखो रियो डी पृथ्वी सम्मेलन जो जून 1992 में हुआ था, डेट मेरा बहुत कमजोर है, डेट तो मुझे सख्त नहीं पता था। इसमें तीन समझौते हुए थे, एक ही कानूनी रूप से बाध्यकारी, एकमात्र ऐसा समझौता जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो, जैव विविधता पर बड़ी समय जैव विविधता को बचा भी नहीं सकते तो बाध्यकारी नहीं आया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कई बार चर्चा भरा होता है, इसका नाम बता रहा हूँ इंग्लिश में, अब वो सुनूंगा, कई बार बहुत सारी रिपोर्ट जारी कर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, इसे बोलते क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ट्रिपल सी है ना, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, याद होगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, इतने दिन हो गए पढ़ते अब तक याद तो नहीं हुआ, यही याद करो, मुझे पता ना तुम्हारी औकात कहाँ तक, समझ में आया बात यार, इसे पढ़ रहे रात दिन, इन रिपोर्ट जारी कर दी, जलवायु परिवर्तन प्रयोग कर दिया, तहलका मचा दिया, इसका नाम नहीं याद हुआ इन पर आज तक, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीन वर्ड को एक साथ बोल लेंगे ना जल्दी बता दोगे, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, इसे बोलो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र पर चुप, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, चुप हो जाओ पढ़ लो, इसकी क्या खास बात हो,
इसकी की खास बात हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। यो ना इसका सर्वोच्च निकाय जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं सर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तुमने नाम सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। जैसे COP 27 हुआ, बताओ COP 27 अफ्रीका में नहीं हुआ, अफ्रीका के अंदर कहाँ हुआ, मिस्र में, अलतेक में हुआ, समझ नहीं बात किया, इस जगह का नाम है। इस तरह यूनेस का सबसे बड़ा निकाय है, संयुक्त जो ना संयुक्त राष्ट्र याद आ रहा बार बार, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, इसका सबसे बड़ा निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बैठक एक प्रकार किया, और जिसकी 15वीं बैठक COP 15 हुआ था ना, 15वां जो कोप, जो 15वीं बैठक हुई थी इस फ्रेमवर्क की, इस समझौते की, जो 15वीं हर साल इसकी बैठक हो, हर साल में इसकी 15वीं बैठक हुई थी ना, उस 15वीं बैठक की थीम यही थी, पता क्या थी, जीवन था विरासत थी और मरुस्थलीकरण था, सूखा था सूखा, हाँ विशेष तौर पर उसकी थीम दिया, क्योंकि हर साल कोप सम्मेलन हो, साल जिसे कोप सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो, यो ना इसकी बैठक हो या संयुक्त, यो ना संयुक्त राष्ट्र क्या कहते हैं सर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, इसका जो COP 15 है ना, COP 15 हुआ था, देख लो अब COP 27 चल रहा है, 26 गया था पीछे, COP 27 होगा अब, जो COP 15 हुआ था ना वो विशेष रूप से सूखे पर निर्भर था, उसकी थीम ही आई थी, उसमें सारी बातें करी गई थी सूखे की, सारी बातें ही सूखे की करी गई थी उसमें, और वो अफ्रीका में हुआ था, पश्चिमी अफ्रीका में हुआ था वो, क्योंकि वही सब ज्यादा सूखा पड़ रहा, ये जो या मीटिंग हर साल कहीं ना कहीं अलग अलग जगह घटती है, इस साल जो COP 28 होगा आज समझ में वो कहाँ होगा, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होंगे, पूरी दुनिया के लोग लगभग 197 देश इसमें शामिल है, 197 यूरोपीय संघ को मिला देना तो 197 नहीं तो 196 देश शामिल है इसमें, 196 देश इसमें, 197 देश शामिल है इसमें, इस फ्रेमवर्क के अंदर, समझ में आई बात या, और इनके ना कोई विदेश मंत्री आएगा हमारी तरफ से, क्या इनके प्रधानमंत्री आएंगे, एक जगह हर साल एक साल एक बैठक में बैठेंगे, बैठने के बाद क्या करेंगे, वहाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, नाम ही देखो क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर संयुक्त राष्ट्र का सभी देशों का एक फ्रेमवर्क तैयार करना, उसके लिए एग्रीमेंट, उसके लिए करनी होगी बैठक, उस बैठक का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम कोप बोलते हैं, इस बार COP 27 हुआ था, COP 27 तुम्हारा होमवर्क सब जो उसके अंदर हुआ था सारा पढ़ के इसके अंदर ही लिखना, पीछे कहीं से छोटा सा पेज पेपर चिपका दियो, COP 27 वाला क्या क्या हुआ था उसके अंदर, कौन कौन गया था भारत के अंदर, तो पार्टी में समझ, पार्टी हो या पार्टीज लिखा नहीं, पार्टीज कॉन्फ्रेंस है या कॉन्फ्रेंस का अकेली पार्टी नहीं होती है, बहुत सारे लोग बैठे, पूरी दुनिया के लोग आओगे इसमें, सब बैठेंगे, बैठक एक प्रकार की है, बैठक है, मरुस्थलीकरण जो भूमि क्षरण और यह सूखा या इससे संबंधित, मैंने बताया COP 15 हुआ था ना, उसमें मरुस्थलीकरण की बात करी थी, भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसकी बात करी थी, सूखे की बात करी थी, सारी बैठक हमारे काम की नहीं है, 26 तो मतलब नहीं है ना, जो 25वीं तो मतलब नहीं है, हम जो 24वीं तो मतलब नहीं है, क्योंकि हम सूखा पड़ रहे हैं तो सूखे की बात जहाँ जहाँ भी हुई ना वो सारी निकाल लगे पूरी दुनिया में, देखो यहाँ सूखे की बात हुई थी, जो COP 15 की बात, जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यो UNCCD की बात करोगे और उसके साथ COP 15 की बात कंप्लीट करोगे तो तब जाकर तुम्हारी सूखे की बात कंप्लीट होगी, वैश्विक स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे, ये वैश्विक स्तर पर प्रयास चल रहे सूखे को समाप्त करने के लिए, मरुस्थलीकरण को समाप्त करने के लिए। अब सुनूंगा मैं सारा का सारा, मैंने क्या पूछा, क्या बताया मैंने जी गुरु जी, आपने बताया कि जो 3 सम्मेलन हुए थे, एक जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना उसमें 3 समझौते हुए थे, 3 समझौते, एक तो समझौता अपने ऊपर ही पढ़ा दिया, दूसरा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण विकम विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी, दूसरे नंबर पर आपने बताया जीव विविधता पर विषय में, ये अभी आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाना ही नहीं अभी आपको, आप सूखा पढ़ा रहे, इसमें सूखे की बात नहीं कर रखी, जो दूसरे वाला ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, यूनाइटेड नेशन CC नहीं है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका सर्वोच्च निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप की मीटिंग हो हर साल मीटिंग हो इनकी कहीं ना कहीं देश में, इस बार COP 28 होने वाला वो दिसंबर के आसपास होगा, दिसंबर के आसपास होगा लास्ट में जाकर, तो COP 15 की जो मीटिंग हुई थी ना उसकी थीम ही आई थी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा, एक दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में लागू हुआ था, उसे भी तुम्हें पढ़ना चाहिए बिल्कुल, समझ नहीं बात है, लेकिन लिखने का मौका 100% तो नहीं प्राप्त होने का था ना, क्योंकि क्वेश्चन में 150 शब्द पूरे करने, हो सकता 15 नंबर का जा तो 250 शब्द पूरे करने, तो नॉलेज सबकी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस संस्था का नाम लेकर उन्होंने सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा, इस संस्था का नाम लेकर उसने सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा, वो देखना चाहो तुम इस संस्था को, और सवाल क्या पूछा, ये जो मैंने यहाँ लाइन लिख रखी नहीं है या उन्होंने स्टेटमेंट में डाल रखी थी यहाँ से,
यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरणीय विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। पहले स्टेटमेंट में लाइन थी उसकी जो पीटी में सवाल पूछा, और दूसरे में लाइन थी जो दूसरी ये लाइन लिख रखी ने मैंने उद्देश्य से लाइन उठा रखी थी उसने कि मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देश अफ्रीका और एशिया, उनने एशिया भी जोड़ दिया, एशिया है नहीं उसमें, तो मेरे दूसरा ऑप्शन काट दोगे, सारे ऑप्शन कट देंगे, उसमें सी ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, एक और तीन सही होगा। तीसरे वाले में नीचे तरीके रखी, तीसरे वाले में नीचे तरीके रखी दो लाइन, ठीक है, क्या काम है इसका, समझ में आया बात यार? तो घर जाकर देखना, ग्रुप में भेजना उस क्वेश्चन को, याद नाम याद होगा, मैं सारा सुनूंगा। तो बताओ सी ओ पी में जो कोप क्या है जी, जो संयुक्त राष्ट्र ना, जो संयुक्त राष्ट्र नहीं, जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता, समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता ना, उसकी ना उसके अंदर एक सबसे बड़ा निकाय है, सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा संगठन है उसके अंदर एक, उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसकी हो बैठक, या बैठक हो एक प्रकार की, हर साल बैठक हो। जो कोप 15 हुई थी ना वो मरुस्थलीकरण संबंधित थी, उसकी थीम ही यही थी, मरुस्थलीकरण, भूमि का क्षरण, भूमि का क्षरण कैसे हो रहा, सूखा, उसकी थीम ही यही थी, तो इसे हम भूल नहीं सकते बिल्कुल भी, समझ में आई बात? तो ये तो हुआ 20वां प्रयास। सवाल है सूखा क्या है, सवाल है सूखा ही क्या है, ये भी तो बोलना चाहिए, सूखा क्या है, आया समझ में, सूखा क्या है? तो सबसे पहली खास बात है सूखा, इसकी परिभाषा देनी चाहिए, किस किस ने क्या क्या परिभाषा दी, सारा बता के चलूंगा मैं, कुछ नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी, क्रम वाइज बता के चलूंगा। और दूसरा, सूखे कितने प्रकार के हों, अब हम भारत के अंदर आ जाएंगे फिर सीधा, समझ बात है, मेन चीज़ को सब चीज़ भारत तो पढ़ने के बाद सीधा तुम्हें भारत में घुसना, ये इसलिए बनाया गया कि हम भारत, क्योंकि भारत भी ने इस जो कन्वेंशन, भारत भी इसका सदस्य है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन के अंदर ने जो कन्वेंशन रखा है मरुस्थलीकरण के लिए, भारत भी इसका सदस्य है, तो जो रिपोर्ट जारी करेगा ना, तो फिर भारत की भी रिपोर्ट जारी करेगा, जो भारत की रिपोर्ट जारी करेगा तो भारत पर बताएगा क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसने रिपोर्ट जारी करी, रिपोर्ट जारी करेगा ना, इसने चेता दिया लोग, भारत के लोगों को कि भारत के अंदर बहुत सारा क्षेत्र जो सूखे थे प्रभावित, आंखें खोल दी ना, देख लो डोट्स कैसे पड़ता, क्या हो सूखा, पहले सबसे पहले पहला सवाल ये, सूखे क्या परिभाषा, मानसूनी अनिश्चितता एवं अनियमितता, मानसूनी अनिश्चितता, मानसून निश्चित नहीं है, मानसूनी अनिश्चितता, अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण सूखे का मूल कारण है। दोबारा फिर समझ लो, मानसूनी अनिश्चितता एवं अनियमितता, मानसून निश्चित नहीं है, वर्षा अनियमित तरीके से हो रही, नियमित तरीके से नहीं हो रही, सही समय पर नहीं हो रही, कभी हो जा रही, कभी तो होती नहीं बिल्कुल भी, समझ में आया बात? या मानसूनी अनिश्चितता एवं अनियमितता, वर्षा का अनियमितता वर्षा का असमान वितरण, अनियमितता वर्षा का असमान वितरण सूखे का मूल कारण है, समझ गए, मूल कारण है। भारत के ना सुन लो, भारत के ना 12 भाग, सुन लो, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में 12 भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही, भारत के हाँ 12 भाग ऐसे 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही, हो ही नहीं रही, उसका मतलब फिर तो सूखा पड़ना ही, लेकिन 8 भाग इसके ऐसे, 8 भाग ऐसे, वहां 250 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा हो रही, तो जहां ज्यादा वर्षा हो रही वहां तो सूखा पड़ने का ही नहीं, तो इसका मतलब भारत के अंदर ना ये बहुत बड़ी समस्या कि भारत के अंदर ना 12 भाग ऐसे जहां 60 सेंटीमीटर भी कम वर्षा हो रही, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तो ये सब तुम्हें रिपोर्ट में लिखना होगा, जब सूखे के बारे में लिखना है यहां तो अपनी बात स्टार्ट करेंगे कि भारत के अंदर कितना सूखा पड़ा हुआ, भारत के अंदर सारा क्षेत्र सूखे में चला गया, देखो यहां कि भारत के 12 भाग में 60 सेंटीमीटर भी कम वर्षा हो रही और 8 भागों में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही और होनी चाहिए थी, इसका मतलब भारत का अधिकांश भाग आज सूखे की चपेट में, एक छोटे से आंकड़े के मुताबिक और शॉर्ट में संक्षेप में कहूं तो भारत के अंदर ना 2/3 भाग सूखे की चपेट में, 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब 2/3, 2/3 भाग सूखे की चपेट में, यस मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ। और सिंचाई आयोग है यहाँ, ये सिंचाई आयोग 1962 में बनाया गया था भारत के अंदर ही, इस सिंचाई आयोग ने कहा, पूछा गया बताओ सूखा किसे कहते हैं, लोग कह रहे जहाँ 75 सेंटीमीटर तक कम वर्षा हो, कोई तुमसे पूछने लगा कि सूखा क्षेत्र किसे कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ये बात किन्ने बताई, मैंने कहा भारत के अंदर एक आयोग बनाया गया था सिंचाई आयोग वर्ष 1962 में सीएचई आयोग के अनुसार ना, जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर 75 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है उसे हम सूखा कहते हैं, आसान भाषा में से भी कह सकते हैं, सारा लिखोगे तुम इतना डाटा, जब सूखे की परिभाषा लिखोगे ना, हेडिंग बनाओगे सूखा किसे कहते हैं, इतना लिखोगे तो तुम्हारा उत्तर ना दूसरों के अपेक्षा सारगर्भिक दिखाई देगा, सारी बातों को समाहित करता हुआ दिखाई देगा, समझ में बात है, और यही तो चाहिए सर, समझ में आ बात है, सारा लिखोगे तुम अभी बिना देखे, अभी आऊंगा तुम्हारे पास में, मानसूनी अनिश्चितता और अनियमित वर्षा
का असमान वितरण, अनियमित वर्षा क्या दोस्तों, अनियमित वर्षा का असमान वितरण सूखे का मूल कारण है। भारत में भारत के संपूर्ण भाग में 12 भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तथा भारत के 8 भाग में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। सिंचाई आयोग 1962 के अनुसार सूखे जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को सूखे का क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है तक? इतना डाटा दे दिया मैंने तुम जिंदगी को कभी नहीं भूलने के। सूखे का जब भी क्वेश्चन है एडिटोरियल बंद कर दिया, चुपचाप यहाँ पहुँच गए, वहाँ एक दो लाइन इंपॉर्टेंट लगी तो यहाँ जब तुम उसका नोट्स बनाओगे ना तो दो पेज छोड़ कर रखियो अपनी कॉपी में, जो ना सूखे के बारे में कुछ अच्छी अच्छी रिपोर्ट में आती है बात थे तो एक दो लाइन ठाक लिख दिए काम की थी, नहीं तो बाकी सारा इससे ही काम चल जाएगा तुम्हारा। तो कितने बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एक दो लाइन अपने इसमें नोट्स में जोड़नी पड़ेगी तुम सूखे के बारे में आ जाता। और सूखा सीधा संबंधित है किससे, मरुस्थलीकरण था, पहले मरुस्थलीकरण बढ़ेगा फिर सूखा बढ़ेगा, तो मरुस्थलीकरण साथ साथ बढ़ेंगे। मरुस्थलीकरण का ही परिणाम हो क्या सूखा, मरुस्थलीकरण के बाद ही सूखा उत्पन्न हो, वही बात है। ठीक, और सुनो यहाँ तक समझ में आएगा बात, जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर तक कम वर्षा होगी उस हम सूखे का क्षेत्र नहीं कहेंगे, ऐसा मैंने कहा। सिंचाई कब बनाया था, सिंचाई होगी भारत की बात चल रही ना, हाँ अब भारत में आ गए हम, समझ में ये बात है। अब भारत में रहो, अपनी औकात में रहो, अब देश दुनिया से बाहर निकल गए आ जाओ। भारत का जो मौसम विभाग उससे पूछा गया भाई सूखा क्या हो, भारत का मौसम विभाग भी तो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वैज्ञानिक बैठे हुए यहाँ, जो उन तो पूछा गया भाई सूखा क्या हो, तो ये सूखे की परिभाषा बता रहे तो सब सबको ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नाराज नहीं करना, वो तुम बता दो तुम कितने ज्ञानवान हो कि तुम सब पता, ये बता रहा है ये बता रहा। भारत में मौसम विभाग के अनुसार मई से लेकर अक्टूबर तक 5 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम सूखे का क्षेत्र कहते हैं। 5 सेंटीमीटर मई से लेकर अक्टूबर तक, मई का भी मध्य क्षेत्र है, मई के मध्य से लेकर अक्टूबर तक 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न जहाँ मई से लेकर अक्टूबर तक 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वो क्षेत्र सूखे का क्षेत्र। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, मैंने सबको कोड कर दिया यहाँ से, और तो अब तुम्हें विवाद नहीं होने का। देखो कितनी मेहनत करी मैंने लिखने के लिए, डाटा खोजने के लिए, समय पर कितनी सारी वेबसाइट देखी होगी, तो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत। भारत के अंदर 2/3 क्षेत्र सूखे के प्रभाव में, भारत के अंदर 2/3 क्षेत्र सूखे के प्रभाव हो। और देखो मैंने अपनी तरफ से मैप बनाना पड़ा मुझे मेहनत करने के लिए कि ताकि तुम दिखा सकूं कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ सूखा फैलने के चांस रहते हैं, समझ में बात क्या, कौन कौन से क्षेत्र में। और उसके बाद ना मैं तुम्हें बताऊंगा सूखा भी एक प्रकार का नहीं होता, सूखे कई प्रकार के हों सूखे। तुम्हारे यहाँ कौन सा सूखा पड़ रहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कृषि वाला सूखा पड़ रहा है, कभी तो वायुमंडली सूख जा हमारे यहाँ, किसी कोई कोई देश ऐसे वहाँ वायुमंडली सूख जा, सूखे के भी प्रकार हों। तो हमारे यहाँ कौन सा सूखा पड़ रहा है, हमारे यहाँ कृषि वाला सूखा पड़ रहा है, जमीन सूख रही है हमारे यहाँ, क्योंकि भारत तो जो प्रभाव पड़ेगा कौन सा, तो सूखे के प्रकार हो, एक वायुमंडली सूखा, एक कृषिगत सूखा, एक स्थायी सूखा, एक अल्पकालिक या मौसमी सूखा। तो हमारे यहाँ कौन सा सूखा, कृषिगत सूखा, टीका लगाया नहीं लगाया मैंने उसमें, कृषिगत सूखा हमारे यहाँ। तो भारत के तो यहाँ तो तुम कुछ भी नहीं लिखो, चाहे इससे की लाइन लिख सको, भारत में कृषिगत सूखा पाया जाता है, समझ एक बात है, अपनी दूध देखना लिखने के लिए निकालना क्या है यहाँ तक, भारत में कृषिगत सूखा पाया जाता है, इतना पढ़ने के बाद पुराने लिखो, इन्होंने हड़ी में सूखे के प्रकार नहीं, इतना लिखो भारत में कृषिगत सूखा पाया जाता है, भारत का 2/3 क्षेत्र सूखे की चपेट में है, ऐसा समझ, ये सूखे की चपेट में आ चुका है, समझ में आई बात या, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ऐसा कहना मौसम विज्ञान विभाग का, और जो सूखे की जानकारी देता वो कृषि मंत्रालय जानकारी दे, ये बात याद रखना। हाँ इतनी बात आता, कृषि मंत्रालय के अनुसार ना, कृषि मंत्रालय खुद कहना अनुसार 14 राज्यों के 67 जिले इससे प्रभावित सूखे थे, 14 राज्यों के 67 जिले इससे प्रभावित, मेरे सारा डाटा निकाल कर सामने रख दिया तुम्हारे, अगर इसके बाद ही तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे तुम महामूर्ख, इतना डाटा एडिटोरियल में आने का ही नहीं, मैं चाहता तो इस सूखे को लेकर आज एडिटोरियल लिख सकता था, वो बहुत बढ़िया टॉप का, ऐसा समझ गया ठीक, अगर एडिटोरियल अगर मैं लिखता अपनी कलम से और तुम पढ़ते तो वही एडिटोरियल बन जाता और रहता गया, समझ में आई बात है। और तुम आगे तुम इकट्ठे कर लो और एडिटोरियल लिख दो, यही तो एडिटोरियल है कुछ नहीं, बस इतनी बात बता दो, समझ में नहीं, मैं सारा डाटा वहाँ तक सुनूंगा, बिना देख के सुनूंगा सारा डाटा भी, जिस तरह मैंने इधर सुना सारा, इसलिए दिमाग में नोट कर लो, सूखा जी जो मानसून अनिश्चितता और जो वर्षा है उसकी अनिश्चितता का उसका इनका जो मूल कारण है वही सूखा, मैंने कहा इनका जो असमान वितरण हो रहा है जगह जगह, असमान वितरण का मतलब क्या है, जहाँ बारिश कम होनी चाहिए थी वहाँ ज़्यादा हो रही, जहाँ ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ हो ही नहीं रही, जहाँ होनी चाहिए थी बारिश वहाँ हो ही नहीं, उनका असमान वितरण हो रहा है वर्षा का, और किसका, मानसून का,
मानसून का और वर्षा का असमान वितरण ही सूखे का मूल कारण है। वर्षा का और मानसून का असमान वितरण ही ना, ऐसा समझ में सूखे का मूल कारण है। इतनी बात याद रखनी। मैं पूछो और क्या बताओ, बताओ कि आपने बताया जी भारत के ना, पूरे संपूर्ण भारत के, पूरे भारत में 12 भाग ऐसे वहां 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही। ये बताओगे आप मुझे कि संपूर्ण भारत के 12 भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, परंतु जोड़ना सीखो, परंतु 8 भागों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। जो हमने ऊपर बताया असमान वितरण, उससे बात सीध होगी इस तरह समान वितरण, समझ में आई बात या? उसके बाद अगले थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे सिंचाई आयोग वर्ष 1962 के अनुसार सूखा उस क्षेत्र को कहते हैं जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सिंचाई विभाग ने सिंचाई आयोग के अनुसार सूखा उस क्षेत्र को कहते हैं जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भूल जाओगे पढ़ लो सर। भारत के मौसम विभाग के अनुसार मई से लेकर अक्टूबर तक जहां 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है उसे सूखे का क्षेत्र कहते हैं। भारत का 2/3 क्षेत्र सूखे की चपेट में है। भारत में कृषिगत प्रकार का सूखा पाया जाता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 14 राज्यों के 67 जिले सूखे की चपेट में हैं, सूखे से प्रभावित है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। उसके बाद सुनो भाई, कृषि उत्पादकता के आधार पर अब सवाल क्या है, सूखे भी कई प्रकार के हों, उसका लेवल बांट दिया। कहीं तो ऐसा जो बहुत खतरनाक सूखा पड़ेगा, कहीं ऐसा थोड़ा कम सूखा पड़ेगा, कहीं तो ऐसा जहां अत्यंत सूखा पड़ेगा वहां कुछ भी, वहां बारिश का नाम निशान तक नहीं है, वो तो बहुत भयंकर होगा। कहीं ऐसा जो मध्यम प्रकार का सूखा पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा हल्के वाला सूखा पड़ेगा कि काम चल जाएगा, कुछ तो फसल पैदा हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसलिए सूखे को जो उत्पादकता के आधार पर कि कितनी फसल पैदा हो रही है, उसके आधार पर हमने सूखे को 3 भागों में बांट दिया। कृषि की उत्पादकता के आधार पर हमने सूखे को कितने भागों में बांट दिया, देख लो। कृषि उत्पादकता के आधार पर सूखे की तीव्रता की पहचान की गई है। कृषि उत्पादकता के आधार पर सूखे की तीव्रता की पहचान की गई, कहाँ सूखा कम पड़ता होगा, कहाँ ज़्यादा पड़ता होगा। अब अत्यंत सूखा क्षेत्र, फिर प्रबल सूखा क्षेत्र, फिर मध्यम सूखा क्षेत्र। एक अत्यंत सूखा क्षेत्र, प्रबल सूखा क्षेत्र, मध्यम सूखा क्षेत्र, 12% अत्यंत सूखा क्षेत्र। अत्यंत सूखा क्षेत्र वहाँ हो जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। और तुम सोच रहे होंगे कहाँ हो, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, अरावली पर्वत की पश्चिम का भाग है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो यहाँ से। ये तेलंगाना, इसमें उदाहरण में डाल सको तुम। अत्यंत सूखा क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह पूरे भारत के अंदर अगर 100% सूखा क्षेत्र है ना, उसमें से 12% अत्यंत सूखा क्षेत्र है। आज समझ में कितनी गंभीर स्थिति सोच रहे हो तुम। 12% क्षेत्र ऐसा, वहां वर्षा होती नहीं, 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होगी ना के बराबर, फुहारी पड़ रही है एक टाइप की, और पड़ गई कोई मतलब ही नहीं है। वो अत्यंत सूखा क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक। ऐसा होगा कहाँ से, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान वहाँ होगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में पाई जाए, महाराष्ट्र में जो क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, वहाँ के किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए हर साल वहाँ के किसान को ना, वहाँ के जो विदर्भ वाला क्षेत्र, समझ बात है, वहाँ के जो सरकार, वहाँ के किसानों का ना उसे ऋण माफ करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ कृषि करने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं सरकार तक, और जब सरकार को लोन चुका नहीं पाते तो फिर आत्महत्या करते हैं। समझ बात, कर्नाटक वाला जो, कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक वाला और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र होगा, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाना, यहाँ भी जो भी सूखे की चपेट में रहा बड़े घातक तरीके से। तो महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और यहाँ इसके अंदर, और यूपी के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर सबसे ज्यादा सूखे वाला क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र के अंदर अत्यंत सूखे क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे जब लिखोगे तुम इसके अंदर। समझ बात है, मैं सारा क्वेश्चन सुनूंगा पूरा, टोटल में कुछ नहीं छोड़ने का, पूरी फॉर्मेटिंग तैयार करके सुनूंगा। अभी तो देखकर सुनाऊंगे, थोड़ी बात बिना देखकर सुनाओगे, समझ ही बात है, बिना देख के सुनाऊंगे सारा क्वेश्चन जी। मैं ऐसा कर ऐसे चार्ट बनाऊंगी, ऐसे मैं इसका उत्तर लिखूंगी, ऐसे ऐसे तैयार करके रखूंगी उत्तर इसका, समझ में बात है। दूसरा प्रबल सूखा क्षेत्र, अच्छा यहाँ तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 में 50 हो जाए, 50 से 100 के बीच में जहाँ वर्षा होगी। प्रबल सूखा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, याद रखिए बात यह। अब यहाँ कौन सा क्षेत्र होगा, यहाँ आ जाएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, झारखंड का क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाएगा, उड़ीसा का क्षेत्र, सूखा यहाँ भी पड़ा, लेकिन यहाँ जो सूखा पड़ा ना वो प्रबल सूखा क्षेत्र सबसे खतरनाक हो, अत्यंत सूखा क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर कम वर्षा हो रही, यहाँ 50 से 100 के बीच हो रही। मध्यम सूखा क्षेत्र जिसे बोलते हैं, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य की वर्षा होगी, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी,
मतलब इतनी वर्षा होगी वहाँ से, समझ में आई बात है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, उस सब क्षेत्र को हम बोलते हैं मध्यम सूखा क्षेत्र। मध्यम सूखा क्षेत्र जैसे MP में पाया जाएगा, देख लो ये समुद्र के पास पड़ रहे फिर भी सूखा यहाँ, ये मध्यम वाले, ये मध्यम सूखा क्षेत्र में आ जाएंगे ना, पश्चिम बंगाल पाया जाएगा यहाँ से, आया समझ में, कर्नाटक पाया जाएगा, कर्नाटक, समझ में आया बात या, उसके बाद गुजरात पाया जाएगा इसमें मध्यम सूखा क्षेत्र में, ठीक। लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर है ना अत्यंत सूखा क्षेत्र में, राजस्थान का अत्यंत सूखा क्षेत्र में आ जाएगा, समझ में बात है, प्रबल सूखा क्षेत्र में कौन सा आ जाएंगे, प्रबल सूखा क्षेत्र में यूपी का बुंदेलखंड भी आ जाएगा, हरियाणा पंजाब आ जाएंगे, हरियाणा पंजाब इसमें आगे प्रबल सूखा क्षेत्र में, अगर लानिनो आया ना, अल्निनो आया ना तो तबाह कर देगा ये सारा क्षेत्र दिखाई देगा तुम्हें सूखे में, अल्निनो का प्रभाव पड़ रहे हो कि सूखा जा, अल्निनो नहीं आना चाहिए, और अभी तो लानिनो चल रहा है तो भारत की मौज आ रही, क्योंकि मौसम विभाग का कहना कि अल्निनो ना जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उससे 7% ज्यादा वर्षा थी, इसे भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर अल्निनो आया ना, और अल्निनो का पता नहीं किसी को, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर जा सकती, अगर अल्निनो आया ये सोच रही सब पूरे भारत के अंदर सूखा ही सूखा पैदा कर देगा, अगर सूखा पैदा हुआ ना तो सूखा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आपदा बन चुका, वर्ष 2019 से लेकर 2019 तक 19 सालों की रिपोर्ट के अनुसार, UNCCD की रिपोर्ट कह रही, इस पर जो सूखे की रिपोर्ट आती है उसका खुद का कहना कि सूखा ना बाढ़ के बाद अगर किसी चीज से ज्यादा प्रभावित लोग हो रहे तो उसका नाम सूखा, ड्रोट्स जिसे बोलते हैं, ड्रोट्स पूरे देश में पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, सही बात है, जिसे हम अपने घर की समस्या समझ रहे थे, ये तो सबका बाप नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आपदा बन चुका है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आपदा, पहले नंबर की सबसे बड़ी आपदा कौन सी, बाढ़, इसके बाद में बाढ़ बढ़ाने वाला हो रहा है, सही, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से भारत के अंदर, हर चीज को मैं भारत में पढ़ाऊंगा, पहले विश्व में चलूंगा फिर सीधा भारत में, उसके लिए जो संस्था काम करती होगी, जिंदगी में कभी रोल होने की, समझ में बात है, आराम से लिखोगे, बैठ कर लिखोगे शांति, अभी तुम लिख कर दिखाओगे मुझे, इसका क्वेश्चन लिख कर दिखाओगे, पूरा क्वेश्चन बोल कर दिखाओगे, तुम कैसे कैसे लिखोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या बचा वो मेन सर, पढ़ना महत्वपूर्ण है, पढ़ने को सारा समझ में आ जाएगा, और इतना ही पढ़ा तो वो भी समझ में आ जाएगा, दिमाग में क्या भेजे में बचा ना, बिना कॉपी के साइड पर रखकर एक कॉपी खाली पन्ने पर क्या लिख सको, वो मेन सर, समझ, मेन्स ऐसे थोड़े लिखा जाए, मेन्स बहुत डेडिकेशन चाहिए लिखने के लिए, समझ बात है, जो भी तो बच्चे बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन का क्या मतलब, वो बार रिवीजन का 3 घंटे का रिवीजन अलग होना चाहिए, पढ़ने वाला कुछ नहीं है मेंस में, बाढ़ भूस्खलन सुनो कोई किसी के जैसा नहीं होता, यहाँ देख लो पता लग चुका, ठीक। तो मैं चाहता हूँ अत्यंत सूखा क्षेत्र में कौन से, अत्यंत सूखा जो क्षेत्र उसमें कौन सा क्षेत्र आ रहे, पर इतना भी ना लिखो, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके उदाहरण भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही आभास हो जाना चाहिए ये अत्यंत सूखा क्षेत्र में आएगा, ठीक। महाराष्ट्र वाले भी अत्यंत सूखा क्षेत्र में आएगा, अत्यंत सूखा क्षेत्र में ये भी आएगा, यही आएंगे, बाकी तुम कुछ मध्यम, कुछ प्रबल सूखा क्षेत्र में ले जाओगे, कुछ मध्यम सूखा क्षेत्र में लेके चले जाओगे, जहाँ तटीय इलाकों में रहने वाले, समझ में आया बात है, अंदर से आवाज होनी चाहिए, अंदर से, इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत। इसके बाद अब सवाल है सूखे का कारण क्या है, और सारे कारण बोर्ड पर लिखे हुए हैं सूखे के, समझ बात है, क्रम वाइज आ जाओ जिंदगी में, एक एक समझना भी, नंबर फर्स्ट पता क्या है, मानसून की अनिश्चितता इंतर निकाल लिया देखो, दूसरा वर्षा की विभिन्नता, वर्षा की विभिन्नता अनियमितता कहते निकाल लिया, पर्वतों की दिशा, अगर पर्वत इधर बारिश इधर आ रही, इधर तो पड़ रही तो पर्वत इधर टकरा के इधर तो जाएगी, आया था इधर नहीं पड़ने पर बारिश, तो इसका मतलब पर्वतों की दिशा भी एक बहुत बड़ा कारण है सूखे का, अगर रास्ते में पर्वत आ जाएगा तो इधर सूखा नहीं पड़ जाएगा, समझ बात है। तो तीसरा कारण क्या है, अनियमित चक्रवात, चक्रवात का ही पता नहीं इस साल आएगा इस साल नहीं आने का, समझ बात, तो इस साल नहीं आया तो फिर सूखा पड़ेगा, आया तो बारिश करेगा, दूसरा वनों का विनाश, अब वन ही टूटते चले जा रहे, सूखा पड़ेगा नहीं भाई, सूखा वर्षा जो धूप पड़ रही है, धूप कहाँ पड़ेगी, मिट्टी पड़ेगी तो सूखा पड़ेगा ही, फिर तो जब वन ही काट दिया, पेड़ काट के बिल्डिंग बना रहे, पेड़ पौधे काट कर ना, वहाँ पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है ना, बधाई हो, पेड़ बना, पेड़ काटते हैं ना, पूरा उनका पार्क बनाया पेड़ काट का, ये पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण मंत्रालय वही बनाया जहाँ पेड़ काट दिए, और दूसरों ज्ञान बांट रहे, ये तो वही बात होगी ना, अपने आप तो चला रहे रिक्शा, दूसरों दे रहे शिक्षा, बंजर भूमि में वृद्धि हो रही है, जो बंजर भूमि लगातार बढ़ती जा रही, सूखा बढ़ेगा नहीं, दूसरा कारण क्या है, दूसरा मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा, अगर मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा तो मरुस्थलीकरण का परिणाम क्या हो, सूखा, तापमान में भी तो वृद्धि हो रही, जलाओ कोयला, कोई मना थोड़े कर रहा है, चलाओ कोयला, क्या दिक्कत हो रही, जलाओ दबा के जलाओ कोयला, जब कोयला जलाओगे तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, दूसरा मिट्टी की संरचना ही ऐसी हो रही है आजकल, फिर मिट्टी की जिसकी मिट्टी की बनावट होगी ना तो मरुस्थलीकरण में तब्दील हो जाएगी मिट्टी, अगर मरुस्थलीकरण में तब्दील हो जाएगी तो फिर सूखा पड़ेगा, मिट्टी की संरचना ही ऐसी ना, जल का अत्यधिक उपयोग, जितना जल था ना इन्होंने सारा उपयोग कर लिया, सही बात है, जब जल रहा है नहीं मिट्टी को, जल नहीं मिल रहा तो फिर सूखा ही पड़ेगा, जल का अत्यधिक उपयोग कर रहे,
सर, तो जल का अत्यधिक उपयोग करने थे, जितना जल था सारा उपयोग कर लिया, अब मिट्टी को कहाँ से दोगे जल? लगाए इन्होंने वहाँ 12x12 लगा रखे, पंजाब हरियाणा में भूमिगत जल सारा नीचे चला गया, 10-20 साल और रुक जाओ, जितने 12 थे ना सारे सूख जाएंगे, ग्राउंड वाटर सारा नीचे भाग जाएगा। समझ ये बात यार, तीव्र जनसंख्या में रहती, जब पहले 10 लीटर में काम चल जाता, अब घर में बच्चे इतने होंगे, अब 20 लीटर में नहीं काम चलता, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी सूखा रहा। ऐसे हो जब घर में रखी हुई एक बाल्टी और पीने वाले 20 जने, तो फिर तो सूखा होगा ही, सूखा किसके घर में नहीं पड़ेगा। जल प्रबंधन को ध्यान नहीं दिया गया, जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा एक प्राकृतिक घटना भी है, उसका नाम पता क्या है? अल नीनो। अल नीनो नाइन्थ क्लास, उसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी तो देखा है, 11th क्लास, 9th क्लास क्या अभी आया नहीं होगा, जो नई वाली एनसीईआरटी तो उसमें देखे, नई वाली भी मिल जाए तो अच्छी बात है, अल नीनो पुरानी वाली मिलने का नहीं तो घटना भी है, तो अल नीनो भी है। अगर सुखिया को और कारण दिखाई देना तुम, अगर तुम इतने कारण याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है, अभी मैं इतने ही सुनूंगा तुमसे। अब सवाल है इसके सूखे के कारण के बाद अब सूखे का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, वो बहुत बड़ी बात है। कारण तो पता लग चुका, सूखा भी पता लग चुका, सूखे का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, यही तो सवाल निकाल लो, यही तो लाइन देकर सवाल निकाल लो, सूखे का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मानव पर पड़ेगा, सही बात यह। दूसरे नंबर पर पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तीसरे नंबर पर क्या हमारी संस्कृति पर सूखे का प्रभाव पड़ेगा? अगर तुम्हें लग रहा है ना सूखे का प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ेगा, तो ऐसे ही सवाल बनाओ आजकल, वो क्या सूखे का प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा, वंचित वर्ग पर, वंचित वर्गों पर कैसे पड़ेगा बताइए। तो जो वंचित, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका प्रभाव यू नहीं है, किसका प्रभाव, इसका प्रभाव ये लिंग समानता को बढ़ावा देगा, लिंग असमानता को बढ़ावा देगा, बढ़ते चले जाए। क्यों? कि अगर किसी गांव में सूखा पड़ेगा तो उसे लड़कों को पढ़ा, लड़कियों को क्या पढ़ाओ, लिंग भेद नहीं हो जाएगा, समझे बात, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे सवाल पूछो निकालकर यूपीएससी की, जो अगर सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तो ऐसे करके सवाल पूछेगा। एडिटोरियल में ऐसे बताऊँ क्या, एडिटोरियल में जोड़ जोड़ के कर बताऊँ क्या, किस तरह से पढ़ेगा? तो इतना जो भी है, जो बताते तो इस तरह ही होंगे, सुन लो ध्यान से अच्छे से। अभी जो टॉपिक है ना, अब टॉपिक का सवाल है सूखे का प्रभाव क्या पड़ेगा, फिर सवाल है सूखे पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या प्रयास करा है, फिर सवाल है इसके उपाय क्या है। ऐसे बजब जो कारण है वही क्या है। एक काम करो ना, मानसून के निश्चित, तुम मानसून को निश्चित तरीके से ला दोगे, ये तुम्हारे काम का नहीं है। वर्षा की भी भिन्नता, ये तुम्हारे काम का नहीं है, पर तो ये भी बदल सकते, तुम ये भी नहीं बदल सके, वनों का भी नाश यहाँ रोक सकते। हाँ, इसका मतलब यही तुम्हारे काम का पॉइंट है, तू खुद सोच रहे तुम क्या कर सको, बंजर भूमि को उपजाऊ करते, वनीकरण लगा सकते हैं, मरुस्थलीकरण को इसे रोका जा सकता है, वनों का वन लगा कर, तापमान में वृद्धि तो रोक सकते हैं तुम, कोयले का कम उपयोग करो, उसके बाद हाँ जल का अत्यधिक उपयोग इसे तो कर सको जल, उसके बाद ये तो सारे हाथ में जनसंख्या वृद्धि, जल प्रबंधन ये तो तुम्हारे हाथ में ही है, अल नीनो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन है अल नीनो तुम्हारे हाथ में, तापमान कम करो, समझ में आया बात ये। अब तो उत्तर तुम्हारे खुद से मुंह से निकल कर चला गया, कहाँ तक उत्तर का उत्तर निकला, तो ये कारण है वही उपाय है, सोचना तुम क्या कर सकते हो इसमें, तो समझ बात, पर क्योंकि प्रकृति पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, समझ बात। अब लोग आगे मैं मानसून बढ़ा मानसून को बढ़ा देंगे, सही कर देंगे, तो वो तो मामूर्ख ही कारण ही उपाय है, सारे इन्हें ठेक बदलने बैठ गए, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। तो अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, हेडिंग बनाओ कॉपी में, हेडिंग बनाओ कॉपी में, हाँ हेडिंग बनाओ सूखे का प्रभाव, सूखे का सूखे का प्रभाव या सूखे से उत्पन्न समस्याएं, सूखे का प्रभाव या सूखे से उत्पन्न समस्याएं, सूखे का प्रभाव या सूखे से उत्पन्न समस्याएं, है नहीं बना ली, ऐसा करके पॉइंट वाइज ऐसा करके लिख चलता है। नंबर एक लिखो, नंबर एक सिंचाई के लिए जल अभाव, जल का अभाव बताओ, सिंचाई के लिए जल का अभाव नहीं हो जाएगा, ये समस्याएं तो एक प्रकार की है, सिंचाई के लिए जल का अभाव,
अब दूसरी खास बात क्या होगी, अगर सूखा आया पेयजल की समस्या हो जाएगी, तो लिखो पेयजल संकट, संकट याद है संकट, पेयजल संकट, संकट जिंदा चले गया। अच्छा अभी बताओ, अगर सूखा आया तो फिर तो भोजन तो मिलने का ही नहीं, जितनी खाद्यान्न फसलें वो नष्ट नहीं हो जाएगी। देखो अगला, खाद्यान्न खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। पॉइंट वाइज बना के लिखो, खाद्यान्न की कमी, समझे? और बताओ क्या होगा, चारे की फसल की कमी हो जाएगी, चारे की फसल की कमी हो जाएगी। जो चारे की फसल नहीं होगी, क्या डंगरों क्या घास खोला घंटा खोगा डंगरों को, भर्ती तो जब सूखा पड़ जाएगा भर्ती भी नहीं बनेगी। चारे की फसल की कमी, अब जब चारे की फसल की कमी हो जाएगी तो जो पशुधन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पशुधन में कमी आएगी। अगला पॉइंट, अच्छा पशुधन अगर कमी आई तो तुम्हें दूध मिल जाएगा, अब दूध नहीं, दूध रुक जा आ समझ में, तो इसका मतलब अगर तुम्हें दूध नहीं मिलने का, पौष्टिक आहार नहीं मिलने का, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। लिखो कुपोषण की समस्या, कुपोषण की समस्या। अब और कुपोषण की समस्या हुई, सुन लो तो ये बताओ भारत की जीडीपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो भारत की जीडीपी में कमी। अभी बताओ को दिक्कत है यहां तक? हाँ, भारत के एसडीजी गोल प्रभावित होंगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। और बताओ, ये बताओ कच्चे माल की कमी नहीं हो जाएगी, अगली को कच्चे माल की कमी हो जाएगी। ब्रेड में लिखो, जान लिखा रहे कच्चे माल की कमी होगी या कृषि आधारित उद्योगों में हो रही, ब्रेड में कृषि आधारित उद्योगों में, ब्रेड में कृषि आधारित उद्योगों में, कृषि आधारित उद्योगों में। अरे तुम जानते हो अगर जब सूखा पड़ेगा तो पानी चाहिए, अब बिजली तुम्हारे यहाँ पानी तो भी नहीं जा, तो बिजली नहीं बनेगी, बिजली की विद्युत उत्पादन में कमी होगी, कभी कभी आगे बिजली आ गई। लिखो विद्युत, विद्युत उत्पादन में कमी, विद्युत उत्पादन में कमी, विशेषकर जल विद्युत में, विद्युत उत्पादन में कमी, विशेषकर जल विद्युत में। अब सोच लो सूखा कितने खतरनाक है, विशेषकर जल विद्युत, जल विद्युत में। ये पॉइंट छोड़ देने बिल्कुल, मुझे ये लिखने ही लिखने तुम। दूसरा पता क्या होगा, लोगों के पास रोजगार चले जाएगा, बेरोजगारी, बेरोजगारी में वृद्धि, कुछ बचेगा भी नहीं। दूसरा, कई प्रकार की, लिखो कई प्रकार की उष्णकटिबंधीय बीमारियां या महामारी, कोरोना जैसी, कई प्रकार की उष्णकटिबंधीय बीमारियां या महामारी। अगर सूखा बढ़ गया तो मिट्टी कटनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी का प्रदन नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखो मृदा प्रदन में वृद्धि, बेटे सूखा तो तबाह कर देगा तुम। सूखा पता, पता यूएन की रिपोर्ट क्या कह रही, 216 मिलियन लोग 2050 तक न प्रवास कर जाएंगे, तो प्रवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो लिखो प्रवास में वृद्धि, प्रवास में वृद्धि। उसके अभी रुक तो जा, प्रवास में वृद्धि लिख दिया क्या, इसके ब्रैकेट में लिखो यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, के अनुसार 2050 तक, 2050 तक 216 मिलियन लोग, 216 मिलियन लोग प्रवास कर चुके होंगे। ऐसी बात लिखोगे तुम प्रभाव पड़ेगा उसको। प्रवास, दूसरा सबसे बड़ी खास बात है, ये बताओ जब इतनी बीमारी फैल जाएगी
तो लोग चोरी करेंगे फिर करेंगे क्या, जब कुछ है ही नहीं, पेट तो पालना ही पड़ेगा, चोरी करेंगे या फिर दूसरे नंबर पर आत्महत्या करेंगे, चोरी आत्महत्या, अभी बताओ चोरी करेंगे आत्महत्या करेंगे या दूसरे की हत्या करेंगे फिर, अब हो जाएगी, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं नैतिक पतन हो चुका है लोगों का, नैतिक पतन हो जाएगा, लिखो नैतिक पतन, नैतिक पतन ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में आत्महत्या चोरी हत्या आदि, आत्महत्या चोरी हत्या आदि, बेटे सूखे कारण देख लो क्या क्या हो रहा है आदि, कितने पॉइंट हो गए होंगे, अच्छा एक बात बताओ करेगी मुझे, अगर तुम्हें सुखे को खत्म करना फिर दूसरी परियोजनाओं में तुम्हें पैसा काटना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा, तो दूसरी सार्वजनिक जो परियोजना चल रही, अन्य परियोजना चल रही, उसमें धन की कमी नहीं हो जाएगी, लिखो अन्य परियोजना में धन की कमी, अन्य परियोजनाओं में धन की कमी, अगला पॉइंट बनाओ हेडिंग, सूखा नियंत्रण कार्यक्रम, सूखे पर नियंत्रण कैसे चलाए करेंगे, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, हाँ उससे फायदा हुआ नहीं हुआ देखते हैं, चलो सूखे की समाप्त करने के लिए क्या क्या फायदा हुआ, नंबर एक लिखो, जा तो हेडिंग क्या बनाई तुमने, सूखा नियंत्रण, सूखे की स्थिति, इसमें लिखो सूखे की स्थिति नहीं आए इसलिए सरकार ने इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं, सूखे की स्थिति नहीं आए इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं, तो सरकार ने बता क्या करा, बहुदेश नदी घाटी परियोजना बना दी, नदी घाटी परियोजना बनाया, पता क्या हुआ, जहाँ सूखा पड़ रहा था ना नदी को, जैसे हमने हरी के बिराज था इंदिरा गांधी नहर निकाल कर लेंगे हम, तो नहरों का जाल बिछा दिया, तो नहरों का जाल बिछा दिया था ना, दामोदर नदी को बंगाल का सोख क्या बते, अवत नहीं क्या बते, अब उसे सोख नहीं कहते, उस तरह नदी का पानी काट लिया और सूखे वाले इलाकों में लेके चले गए, तो ये जो नदी परियोजना कार्यक्रम चलाया ना, बहुदेश नदी घाटी परियोजना है, यो सरकार के लिए, यो भारत के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, बंगाल का शोक कहे जाने वाली नदी आज न सूखे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र उन जल प्रदान कर रही, जो बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक कहते थे, अब उसका पानी उसके उसकी जो बाढ़ का पानी आता था ना उसे काट कर दूसरी नदी में डाल दिया जहां सूखा पड़ता था, तो जो सर फायदा तो हुआ ऐसे वजह, तो इसका मतलब नियंत्रण लगा किस पर, सूखे पर नियंत्रण लगाया, नंबर एक लिखो, नंबर एक लिखो बहुदेश्य नदी घाटी परियोजना, नंबर एक लिखो बहुदेश्य नदी घाटी परियोजना, बहुदेश्य लिख दिया, लिखो इसमें लिखो, लिख दिया ना तक तुमने, इस लिखो इससे नहरों का जाल बिछाया गया, इसमें लिखो, इसमें छोटा सा पॉइंट करके इसके आगे तीर्थ चिन्ह लगा कहीं को लिख दो, इससे नहरों का जाल बिछाया गया, नहरों का जाल बिछाया गया, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी, बंगाल इसमें लिखना, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी, कौन से बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी तथा बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी इन परियोजनाओं के लिए वरदान साबित हुई, इन परियोजनाओं के कारण वरदान साबित हुई, बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी तथा बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी इन परियोजनाओं के कारण वरदान साबित हुई,
दूसरे पता लग चुका। दूसरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, छोटे लेवल पर कार्यक्रम चला सकते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे महाराष्ट्र वहाँ ट्यूबवेल बना दो, वहाँ कुवेल बना दो, कुओं पानी लंबे समय तक भरा रहा, वो तालाब बना दिया, तालाब में पानी लंबे समय तक भरा रहा, वो फिर वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तालाब का पानी निकालेगा ना, खेती में उपयोग कर लेंगे, समझ ही बात क्या। तो हम छोटे लघु स्तरीय कार्यक्रम भी चला सकते हैं, और ये ना वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये वरदान साबित हो रहा है ऐसे कार्यक्रम। लिखो दूसरा पॉइंट, लघु स्तरीय सिंचाई योजनाओं का विकास, लघु स्तरीय सिंचाई योजनाओं का विकास, यानी छोटे लेवल पर चला दो, छोटे छोटे राज्यों में लघु स्तरीय सिंचाई योजनाओं का विकास। ठीक, लिख दिया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ट्यूबवेल और डीजल पंपों से सिंचाई पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ट्यूबवेल और डीजल पंपों से सिंचाई पर बल दिया जाता है। ट्यूबवेल और डीजल पंपों, डीजल पंपों से सिंचाई पर बल दिया जाता है, डीजल पंपों से सिंचाई पर बल दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसका समुचित उपयोग करके गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे महाराष्ट्र में इसका समुचित उपयोग करके गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरा और बताओ सूखे का इस्तेमाल, सूखे को कैसे निपटा सको तुम, इकट्ठा करेगा दूसरा। लेकिन आजकल पता क्या हुआ, आजकल कृत्रिम वर्षा भी तो करवा रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके वैज्ञानिक विधि या आर्टिफिशियल रेन भी तो करवा रहे हैं, झुट्टो मुट्टो के बदले बना दो आकाश में जाकर, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके ना हम आजकल जबरदस्ती बादल पैदा कर रहे हैं, बादल पैदा करके फिर वर्षा हो जाएगी। लिखो अगला पॉइंट, कृत्रिम वर्षा, अगला पॉइंट कृत्रिम वर्षा। क्या होगा, लिख दिया ना, लिखो महाराष्ट्र में, सिर पर लिख दे मेरा दादा, इसमें लिखना महाराष्ट्र में बारामती, बारामती एवं सिरूर, सिरूर ये उत्तर प्रदेश में पड़ा, सिरूर महाराष्ट्र में बारामती एवं सिरूर में उत्तर प्रदेश, सिरूर उत्तर प्रदेश में, सिरूर उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, क्या लिखा तुमने, महाराष्ट्र में बारामती एवं सिरूर, सिरूर और बारामती महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रिहंद, हाँ उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध तथा केरल के तटीय भागों में, तथा केरल के तटीय भागों में सफलतापूर्वक कृत्रिम बरसात मौसम विज्ञान विभाग करा चुका है। कृत्रिम बरसात मौसम विज्ञान विभाग करा चुका है। लिख दिया, कितने उपाय हो गए, चौथा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये बता केंद्र और राज्य दोनों की योजना, 75% हिस्सा तो उसका केंद्र देगा और 25% हिस्सा उसमें राज्य देगा,
लिखो यह केंद्र, यह केंद्र और राज्य पोषित योजना है, यह केंद्र राज्य पोषित योजना है। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, यह केंद्र राज्य पोषित योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1973-74 में से संचालित है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1973-74 से संचालित है। लिख दिया केंद्र, केंद्र इसका 75% और राज्य 25% हिस्सा देता है। केंद्र इसका 75% तथा राज्य 25% हिस्सा देता है। इतना लिखना नहीं पड़ने का बोल रहा हूँ तुम, इनके ऊपर तो हेडिंग हेडिंग लिखोगे तुम, मौका ही नहीं मिलेगा लिखने का, इतना इतना लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए? पांचवा, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि राजस्थान में पड़ती है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इसमें अगला खींच कर से लिखो, इसका उद्देश्य मरुभूमि विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य रेगिस्तानीय क्षेत्र को बाढ़ से बढ़ने से रोकना है। इसका उद्देश्य रेगिस्तानीय क्षेत्र को बढ़ने से रोकना है। रेगिस्तानीय क्षेत्र को बढ़ने से रोकना है। अगला पॉइंट लिखो, कमांड अक्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमांड अक्षेत्र विकास कार्यक्रम, लिख दिया। बस इसमें कुछ नहीं, अगला पॉइंट लिखो, बस इतना ही लिख दो उसमें। अगला, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमा दे देंगे जिसकी फसल खराब होगी, जिसके सूखा पड़ गया। लिखो, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले फसल बीमा योजना के नाम से शुरू हुई थी, यह पहले फसल बीमा योजना के नाम से शुरू हुई थी। लिख दिया। अगला पॉइंट, गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना, इसके बारे में तुमको थोड़ा सर्च करना, अगर लिखो सर्च, गंगा कल्याण योजना है क्या है। गंगा कल्याण योजना, इसके बारे में सर्च करना तुम, क्या पढ़ना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट लिखो, 10 लाख कुआं कार्यक्रम। 10 लाख कुएं बनाएंगे, 10 लाख कुआ कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना, सर्च कर लिया इसके बारे में। 10 लाख कुआ कार्यक्रम, लिख दिया। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चला रखा था, अब तो बंद होगा। पेयजल
इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, दिक्कत कुछ उपाय कर दिया इस सरकार द्वारा किए गए प्रयास, अब तुम सुझाव क्या दे सकते हो? इस सरकार ने काम करा, तुम अपनी तब तक क्या सुझाव दे सकते हो? तो तुम कुछ सुझाव यहाँ से निकाल लोगे, एक दो में बता रहा हूँ, ठीक। हैडिंग बनाओ, भारत में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। भारत में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाव, भारत में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाव, तो नंबर फर्स्ट पहला तरीका पता क्या हो सका यार, तुम्हारा सूखा पड़ रहा, तुम्हें पता है सूखा पड़ रहा, तो ऐसी फसल उगाओ ना जो सूखे में पैदा हो, क्यों चक्कर में पड़ रहे? तुम बताओ, तुम्हारा सूखा पड़ रहा तो ऐसी फसल पैदा करो जो सूखे में पैदा होगी, और जो 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 बरसात के मौसम पैदा होगी बरसात वाली फसल पैदा करो। उल्टा तो तुम काम कर रहे, जीन एडिटिंग करके दूसरी फसल पैदा कर रहे हो, वहां समस्या तुम्होंने लिए खुद खड़ी कर रहे। तुम क्या कर रहे, कृषि जलवायु जो क्षेत्र हो ना, एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन हो, उनके अनुसार तुम कृषि नहीं कर रहे, उसके अनुसार कृषि करो। पहला पॉइंट लिखो, कृषि जलवायु के आधार पर उपयुक्त फसल का चुनाव करना। पहला पॉइंट लिखो, कृषि जलवायु, कृषि जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर उपयुक्त फसल का चुनाव करना। दूसरा, एक काम करो ना, जो शुष्क कृषि उसे पैदा करो, सूखे में क्या दिक्कत हो रही, लिखो शुष्क कृषि को अपनाना। या फिर एक काम कर दो, कुछ जीन एडिटिंग करके ना कुछ ऐसा बना दो जो सूखे में पैदा हो जाए, ऐसा कर दो। लिखो कुछ विशिष्ट फसलों का विकास करना, कुछ विशिष्ट फसलों का विकास करना है, जैसे गोल्डन राइस बंजर भूमि में उगा है, कुछ विशिष्ट फसलों का विकास करना। जैसे बीटी कपास, कोमा गोल्डन राइस, बीटी कपास कोमा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस चावल, गोल्डन चावल बंजर में भी हो जाएंगे, लिख दिया। जिससे उसके बाद बता तुम क्या कर सकते हो, तुम ना सिंचाई के विशिष्ट साधन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक काम करो ना, तुम्हारे पास पानी कम है तो सीधा पानी पौधे की जड़ में जाकर डाल लो, इधर पूरे खेत में पानी क्यों भर रहे हो तुम? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसे बोलते लिखो, सिंचाई के विशेष साधन का प्रयोग। सिंचाई, अगला पॉइंट, सिंचाई के विशेष साधन का प्रयोग, सिंचाई के विशेष साधन का प्रयोग, सब आगे खबर लिख रहा पहले। नंबर एक, सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई, विशेष साधन का प्रयोग। नंबर एक क्या लिखा है, सूक्ष्म सिंचाई कोमा टपक सिंचाई, टपक जिसे हम ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, टपक सिंचाई, एक ही बूंद टपकाओ के उसकी जड़ में, एक ही बूंद टपकाओ, ये टपक सिंचाई है, फालतू की पानी डाल ले। कोमा छिड़काव सिंचाई, छिड़काव सिंचाई स्प्रिंकल, अगला पॉइंट, नहरों का, नहरों के सतह का पक्कीकरण, नहरों की सतह को पक्की कर दो, पानी नीचे भूमि नहीं जाने का, नहरों की सतह का पक्कीकरण। भाई कच्ची नहरों की तो पानी नहीं सूखा क्या? अगला पॉइंट, जल संरक्षण,
जल संरक्षण आज के बाद निगरानी, सूखे की दिक्कत खड़ी हो रही है, जिंदगी में सूखा ही मिटा दूंगा थारी। उसके बाद लिखो मिट्टी का संरक्षण, कोमल मिट्टी का संरक्षण, अगला पॉइंट लिखो मिट्टी का संरक्षण। उसके बाद चारा बैंक की स्थापना करना, चारा नहीं है ना थारे घर में, एक चारा बैंक बना लो, है नहीं तो वहां जा, जगह पैसा बैंक बना रखा है तो पैसा ले हो जाएगा, कर चारा ले हो जाएगा, चारा बैंक की स्थापना करना। जो बंजर भूमि है तुम्हारे यहाँ, बंजर भूमि उसका विकास कर दो, क्या दिक्कत हो रही, लिखो बंजर भूमि का विकास करना। लिखो पशुधन, पशुपालन और डेयरी उद्योग का विकास करना। लिख दिया डेयरी उद्योग का विकास करना। वानिकी एवं सामाजिक वानिकी का विकास करना। वानिकी जानते हो, वानिकी मतलब वन लगाना, वानिकी एवं सामाजिक वानिकी का विकास करना। ये सारे वन लगाएंगे इसमें पूरे समाज में। सामाजिक वानिकी का विकास करना, वानिकी। जब तुम्हें पता सूखा पड़ने वाला तो पहले चेतावनी मॉडल जारी कर दो ना, है नहीं तो लिखो पूर्व चेतावनी मॉडल जारी करना, पूर्व चेतावनी मॉडल का विकास करना। कोमला लिख जल्दी बढ़ावट, अगला पॉइंट पूर्व चेतावनी मॉडल का विकास करना। बहुत सूखा सूखा ठाव फिर जाओ थे ना। ठीक, इतने जितने पॉइंट चाहिए तुम्हें इतने निकाल लेना, ए जितने पॉइंट चाहिए तुम यूनिक पॉइंट सारे निकाल लेना, इसमें सारे लिखवा दे, जितने सारे को सारे कभी लिख सकते तुम, लेकिन इतने हाँ इतने पांच छह पॉइंट लिखे जाएंगे, चुप जाओ, पांच छह पॉइंट लिखे जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ जाओगे तुम, लेकिन योगी सबसे यूनिक कंटेंट तुम्हारे पास है, आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशंस। अब निष्कर्ष भी लिखा जाना, निष्कर्ष भी लिखो, निष्कर्ष हाँ निष्कर्ष भी हाँ निष्कर्ष लिखो। आगे की राह लिख दो, लिखो हरित क्रांति से पूर्व, निष्कर्ष में लिखो हरित क्रांति से पूर्व भारत हरित क्रांति से पूर्व भारत सूखा, कोमल सूखा को इन्वर्टेड कॉमास में लिखियो, सूखा कोमा लगाओ फिर अकाल, उसे भी ऐसे लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, अकाल को भूखमरी की स्थिति से गुजर रहा था, अभी बताओ जब हरित क्रांति आई तो उन्होंने करा क्या, ये चुप बताओ, तो नए बीज का विकास करा नहीं करा जी। इसका मतलब हरित क्रांति के बाद फिर हमें कभी कभी किसी की तरफ को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आया समझ में, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब सरकार को भी ना फिर नए बीजों का विकास करना होगा, तकनीकों का विकास करना होगा। ठीक लिखो, अगर लिखो भारत, ये लिखो भारत सरकार को सूखे से निजात पाने के लिए, भारत सरकार को सूखे से निजात पाने के लिए न केवल सिर्फ दीर्घकालिक योजनाओं
न सिर्फ दीर्घकालिक योजनाओं न सिर्फ दीर्घकालिक योजनाओं जैसे सिंचाई संसाधनों का विकास, सिंचाई संसाधनों का विकास, तो सिंचाई संसाधनों का विकास कितना कर दोगे तुम? जो सिंचाई के संसाधन है बहुत दिन लगते हैं ना बनाने में, ये तो दीर्घकालिक योजनाओं में आ रहे हैं। कोमल नवीन बीजों का विकास, कोमल नवीन बीजों का विकास, लिख दिया। अब लिख दिया, दिया जाना चाहिए, दिया जाना, पहले लिख तो लो, बल्कि, बल्कि लघुकालीन योजनाओं पर भी बल दिया जाना चाहिए, लघुकालिक योजनाओं लघुकालिक योजनाओं पर भी बल दिया जाना चाहिए। लिख दिया, कोई दिक्कत? लिखो, लिख देंगे। ये मैंने पूरा क्वेश्चन समाप्त करवा दिया। जिंदगी में कभी क्वेश्चन आया ना, कभी डिजर्टिफिकेशन सूखे के ऊपर क्वेश्चन आया, समझो मरुस्थलीकरण का भी यही हाल होगा। मरुस्थलीकरण के भी यही कारण होंगे, समझ ही बात है। मरुस्थलीकरण का क्वेश्चन आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, सूखा मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण भी यही हाँ, इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मरुस्थलीकरण में उसमें पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट में, समझ में बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर तो घर से लिखना ही पड़ेगा। तुम्हें डायग्राम बनाया ना क्या ना मामा जी का।